बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आज आपकी वर्कबुक के वर्कशीट 7 को कराने चल रहा हूं। बच्चों, इस वर्कशीट 7 में हम शब्द रचना पे ध्यान देंगे, शब्द रचना को सीखेंगे, ठीक है। वर्णों से वर्णों को मिला करके शब्द कैसे बनाए जाते हैं, आज इसके बारे में हम जानकारी इस वर्कशीट के माध्यम से प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ पे जो ये वर्कशीट 7 शब्द रचना दी है, हम उस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि एक कहानी का पार्ट है, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये जो आपको ये वर्कशीट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसमें क्या दिया गया है बच्चों, इसमें दिया गया है कि आन्या को भूख लगी थी। एक कहानी के साथ में इसे जोड़ने का प्रयास किया गया था कि एक लड़की है छोटी, आन्या उसका नाम है, उसे क्या है बच्चों, भूख लगी थी, ठीक है। वह रसोई घर में गई, कहां गई बच्चों, रसोई घर में गई और क्या की उसने, कुछ ढूंढने लगी, ठीक है। वह कुछ जो है वह खोजने लगी। जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है बच्चों, तो वह क्या खोजता है, वह जो है हमेशा खाने की ही वस्तुएं खोजता है। तो वह जो है कुछ ढूंढने लगी, मतलब खाने की वस्तुएं ढूंढने लगी, उसे बताओ कि किसमें क्या है। या आपको यहाँ पे नीचे की तरफ पात्र दिखाई दे रहे होंगे, पात्र से मतलब है बच्चों बर्तन, आप कुछ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो आपको उसे बताना है कि किस बर्तन में क्या है, ठीक है। क्या बताना है बच्चों कि किस बर्तन में क्या है, यह बताना है उसे। तो पहले हम आइए देखते हैं कि पहले पात्र में क्या रखा गया है। अब आपको यहाँ पे पता कैसे करना है बच्चों, यहां हम वर्णों को सही क्रम में रख करके क्या करेंगे, एक खाद्य पदार्थ को खोजेंगे, मतलब एक भोजन को खोजेंगे जिसे हम खा सकते हो। हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों का प्रयोग खाने के लिए करते हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों में से कोई ऐसी जो है वह किसी ऐसे शब्द की रचना करना है इन वर्णों के माध्यम से। इस इन वर्णों को सही क्रम में रख करके हमें ऐसे शब्द की रचना करना है बच्चों जो खाने में प्रयोग आती हो, मतलब खाने के लिए हम जिन्हें प्रयोग करते हों हम उन्हीं से संबंधित शब्द रचना करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि पहला जो हमारा पात्र है उसमें हम ये देखें तो उसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि उसमें जो वर्ण लिखे गए हैं वह पहला है बच्चों क्या है, ल, दूसरा है चा, और अंतिम है व, ठीक है। ल चा व ये जो है वर्ण है, ल चा व। अब इनसे हमें क्या करना है बच्चों, इनको एक व्यवस्थित क्रम में रख करके, ठीक है, हमें एक शब्द बनाना है। वह शब्द बच्चों ऐसा होना चाहिए जो किसी भोजन का प्रतिनिधित्व करता हो, मतलब भोजन की तरफ इशारा करता हो, ठीक है। तो आइए देखें ल चाव से कौन सा ऐसा भोजन बन सकता है या किस ऐसे भोजन का नाम बन सकता है। तो हम देखते हैं बच्चों कि ल चाव में अगर चाव को हम पहले लिखें, व को बाद में लिखें दूसरे नंबर पे, और ल को लास्ट में लिखें सबसे बाद में लिखें, तो कौन सा शब्द बनता है बच्चों, चावल। क्या बनता है बच्चों, चावल। चावल हम सब खाते हैं, ठीक है। अब आइए हम दूसरे पात्र की तरफ चलें। दूसरा पात्र अगर हम देखते हैं बच्चों, तो दूसरे पात्र में हम देख रहे हैं कि जो वर्ण लिखे गए हैं वह है बच्चों य, रा और क्या है बच्चों, ता। य, रा, ता, इन वर्णों को बच्चों हमें सही क्रम में रखना है और ऐसे क्रम में रखना है कि ये किसी न किसी कोई न कोई ऐसा शब्द बनाए जो किसी भोजन का नाम है। तो हम यहां पर ये देखते हैं बच्चों, अगर र को हम पहले लिखें, उसके बाद यह लिखें, फिर ता लिखें, तो बन जाता है बच्चों रायता। रायता बनता है यह शब्द। रायता जो शब्द है वह आप सब जानते हैं कि ये भोजन है, भोजन के साथ में आपके हमारे घर में बनता है रायता, भोजन के साथ में हम खाते हैं। लौकी का भी रायता बनता है और आजकल तो खीरे का भी रायता बनता है, मतलब आप अच्छे से रायता आपके भोजन में, खाने के भोजन में शामिल होता है, आप सब जानते हैं कि ये खाने के काम में आता है। अब आइए हम देखते हैं
कि तीसरे पात्र में क्या है, तो दूसरी लाइन में देखते हैं, तो है बच्चों द स ला। क्या है बच्चों? द स ला। द स ला जो है वह ये पात्र लिखे गए हैं, मतलब एक तरह से वर्ण लिखे गए हैं तीन। इन वर्णों के माध्यम से हमें एक ऐसे शब्द की रचना करना है बच्चों जो खाने की तरफ इशारा करे। तो हम इसको जो है बच्चों, अगर स को पहले स्थान पर लिखते हैं पहला, उसके बाद लिखें ला, फिर द, तो देखते हैं बच्चों इन वर्णों से मिलकर के बना बच्चों सलाद। क्या बना? सलाद। सलाद भी हम खाने के साथ में प्रयोग करते हैं, खाते हैं हम सलाद, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला जो है हमारा, वह है अगले पात्र में हम क्या देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है वर्ण प पा ड। क्या लिखा गया है बच्चों? प पा ड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों कि इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना है। ऐसे व्यवस्थित हमें नहीं करना है कि किसी न किसी भोजन का नाम आए। तो देखते हैं बच्चों कि अगर हम पा पहले लिखें, उसके बाद फिर प लिखें, फिर ड लिखें, तो बन जाएगा पापड़। और आप सब जानते हैं पाकड़ पापड़ से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, ठीक है, कि पापड़ सब हम सब भोजन के साथ में करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों अगले पात्र में लिखा गया है वर्ण, लिखा गया है भ शा र। क्या लिखा गया है? भ शा र। अब इनको देखता है कि इनसे निर्मित, इन वर्णों से निर्मित कौन सा ऐसा शब्द बनेगा जो भोजन का प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब भोजन का नाम जिससे बन जाएगा। तो वह है बच्चों, पहले हम स लिखते हैं, शाम, इसको हम पहले स्थान पर लिखते हैं, दूसरे स्थान पर अगर हम जाएंगे तो भय हो जाएगा, लास्ट में अगर हम सबसे अंतिम में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो ये जो है सांभर, यह जो है वह भोजन का नेतृत्व करता है। किसका नेतृत्व करता है बच्चों? भोजन का नेतृत्व करता है। कैसे? आप सब सांभर जानते ही होंगे, खाते भी होंगे। तो हम ये बताएंगे कि जो अगला हमारा पात्र है वह जो है सांभर है, और सांभर जो है वह भोजन का नेतृत्व करता है, ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं, जो अगला हमारा पात्र है, अगले पात्र में हम ये देखते हैं बच्चों की है वर्ण लिखे गए हैं वा है और ल। ये हमारे वर्ण हैं। इन वर्णों में हम देखते हैं बच्चों कि अगर इन वर्णों को हम व्यवस्थित क्रम में लिखें, सही क्रम में लिखें, तो बनता है बच्चों अगर हम है पहले लिखें, ल बाद में लिखें, सबसे लास्ट में वा अगर लिखें, तो बन जाएगा बच्चों हलवा। हलवा हम सब खाते हैं, नाश्ते में कभी कभी खाते हैं, ठीक है, मतलब किसी न किसी रूप में इस हलवा को हम कभी न कभी बना करके खाते जरूर हैं। तो ये भी भोज पदार्थ हुआ, हमारा भोजन हुआ। अब आइए देखते हैं कि अगला हमारा जो पात्र है उसमें हम क्या बताएंगे अन्या को, किसमें क्या है। तो हम देखते हैं बच्चों वह है क्या है? ड ली ई, ठीक है। कौन से वर्ण दिए गए हैं? ड ल ई। अगर इन्हें हम सही क्रम में लिखें बच्चों तो हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखें ई, उसके बाद ड, फिर क्या लिखें बच्चों? ली। तो हो जाएगा ई ड ली, मतलब इडली। इडली हम सब खाते हैं, ठीक है, ये हमारा भोजन है। इसे हम दक्षिण भारतीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि वहां पे बहुतायत बनाया जाता है ये, ठीक है बच्चों। अब आइए हम देखते हैं अगला जो हमारा पात्र है उसमें लिखा है बच्चों, पहला वर्ण है पा, दूसरा वर्ण है च, और तीसरा वर्ण है ती। पा च ती। अब हम इसमें देखते हैं बच्चों कि जो हमारा ये वर्ण है, अब इस वर्ण को हम क्या करें बच्चों, इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखें या ऐसे क्रम में लिखें कि एक भोजन का नाम आए इससे, तो हो जाएगा बच्चों पहले लिखेंगे च, फिर बाद में लिखेंगे पा, फिर लिखेंगे ती, तो हो जाएगा च पा ती। चपाती का मतलब होता है रोटी, चपाती थोड़ी सी मोटी होती है, उसे हम हाथ से ऐसे ठोंक करके पीट करके बनाते हैं, तो उसे इसलिए हम उसे चपाती कहते हैं। तो ये भी भोजन है, इसे भी हम खाते हैं। दूसरे अगला हम देखते हैं बच्चों हमारा है
र प नी क्या है बच्चों, अगले पात्र में लिखा है र प नी। तो हम आन्या को क्या बताएंगे कि इस पात्र में क्या है, तो आइए देखें और इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखें या ऐसे क्रम में लिखें कि एक भोजन का जो है वह यहां पे जिक्र हो। तो पहले नंबर पे हम प लिखेंगे, दूसरे नंबर पे नी लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे बाद में र। तो बन जाएगा बच्चों प नी र पनीर। ठीक है बच्चों, पनीर जो है हम सब खाते हैं, पनीर की सब्जी बनती है, पनीर का पकौड़ा बनाते हैं, मतलब पनीर हम शादी भी खाते हैं कभी कभी। तो ठीक है, तो तमाम तरह से जो है यह खाने के काम में पनीर आती है। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला जो हमारा यहाँ पे पात्र दिया गया है, उस पात्र में लिखा गया है च खीड़ी। क्या दिया गया है, च खीड़ी, ये जो है वह वर्ण के नाम है। हमें क्या करना है बच्चों, इन वर्णों को सही और व्यवस्थित क्रम में लिखना है जिससे यह भोजन का प्रतिनिधित्व करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं खी, उसके बाद च, फिर लिखते हैं अड़ी। तो बच्चों यहां भी बन जाता है खिचड़ी। खिचड़ी हम सब कभी कभी खाते हैं, कभी संडे को खा लिए, कभी मंडे को खा लिए। ठीक है, जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम ज्यादा गरिष्ठ मतलब आयली जो भोजन है वो ना करें, हमें कुछ हल्का खाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, खिचड़ी खाते हैं। अब आइए देखते हैं अगले पात्र में, अगला पात्र है बच्चों उसमें लिखा गया है ट नी च। क्या है, ट नी च, ये वर्ण है, ये वर्ण जो है अगले इस पात्र में लिखे गए हैं। तो हम देखते हैं बच्चों इन वर्णों से निर्मित जो शब्द है वह है बच्चों च ट नी। क्या है, चटनी है, चटनी हम सब खाने के साथ में लेते हैं। चटनी जो है वो तीखी भी होती है और मीठी भी होती है, तो इस चटनी को जो है हम खाने के साथ में लेते हैं, मतलब कहीं न कहीं पे खाने के काम में आती है। अब आइए अगले जो है हम अपने पात्र पे चलते हैं, अगला पात्र है इस पे क्या लिखा हुआ है, हम क्या बताएंगे अन्या को कि इसमें कौन सा भोजन रखा गया है। तो हम देखते हैं बच्चों कि इसमें जो वर्ण लिखा गया है इन्हीं वर्णों से पहचान करना है कि इस पात्र में कौन सा भोजन है। तो जो यहाँ पे वर्ण है वह पहला है बी ज ले। क्या है बच्चों, बी ज ले। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इससे निर्मित एक शब्द जो भी है वह क्या है जिस जो एक खाने का प्रतिनिधित्व करे। तो है बच्चों जब हम पहले ज लिखें उसके बाद ले लिखें फिर भी लिखें तो बनता है बच्चों शब्द, वह शब्द हो जाएगा जलेबी। क्या हो जाएगा बच्चों, जलेबी हो जाएगा। और जलेबी को हम खाते हैं नाश्ते में, सुबह हम खाते हैं दही और जलेबी खाते हैं, मतलब एक तरह से ये खाने के काम में आती है जलेबी, या खाने का प्रतिनिधित्व करती है, अतः हो जाएगी जलेबी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, धन्यवाद।